कि वरुण का बच्चा तेरी बीवी का हाल तुझसे भी ज्यादा रख रहा है, एप्पल वेपल काट के दे रहा है। हाँ, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी उससे, मुझे तो कभी एप्पल काट के नहीं दिया। चलो अच्छा है। हाँ माँ, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि वरुण का इस तरह दूसरा पहलू भी होगा। काम सीख जाएगा। चलो सागर आओ बैठो। क्या बात है, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं माँ, बस आपसे कुछ पूछना था। पूछना? वो माँ एक्चुअली एक सजेशन लेनी थी। माँ मेरा एक फ्रेंड है, उसने 5 महीने पहले एक लड़की से लव मैरिज की है, लेकिन जो लड़की से उसने शादी की है वो पास्ट में उसके भाई की गर्लफ्रेंड रह चुकी है। ओह, दोनों का 4 साल पहले ब्रेकअप भी हुआ है। हाय राम। और माँ इस वक्त एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, वो लड़की और उसका भाई वो फिर से एक दूसरे को चाहने लगे हैं। और माँ इस वक्त ना वो लड़की प्रेग्नेंट है, और मेरे फ्रेंड को ये डाउट है कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका नहीं, उसके भाई का है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गड़बड़ वाला मामला है। ऐसी सिचुएशन में मेरे फ्रेंड को क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो उसे अपनी वाइफ को डिवोर्स दे देना चाहिए और उस लड़की की शादी अपने भाई से करवा देनी चाहिए, क्योंकि बच्चा भी। माँ मैं भी यही सोच रहा था। ठीक है, मैं मेरे फ्रेंड को ये सजेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है माँ। माँ मुझे पता है मेरे इस फैसले से आप टूट जाओगी, पर मुझे यही रास्ता सही लगा। मुझे यकीन है कि वरुण रिद्धि से बहुत प्यार करता है, पर मैं भी रिद्धि से कम प्यार नहीं करता। मैं मेरे प्यार को वरुण के लिए सैक्रिफाइस कर सकता था, लेकिन ऐसा करने के बाद माँ मैं जी नहीं सकता। शायद मेरे उनकी जिंदगी से चले जाने में ही सबकी भलाई है। आई एम सॉरी माँ। आपका सागर।